किसी भी आय वर्ग और किसी भी समुदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMJAY में भाग लेकर जेनेरिक दवाओं का अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। मात्र 2 से 2.5 लाख रुपए में आप दवाई की दुकान खोल सकते हैं। यह खर्च भी सरकार उठा रही है, यानी सरकार हर महीने आपके बैंक खाते में 10% इंसेंटिव तब तक जमा कराती रहेगी जब तक आपके द्वारा लगाई गई 2 से 2.5 लाख रुपए की पूरी राशि आपको नहीं मिल जाती। यह करीब 10,000 रुपए महीना बैठती है। कोई भी खोल सकता है जन औषधि केंद्र। इस योजना का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना है, साथ ही मरीजों को महंगी तथा गुणवत्ता वाली दवाएं बाजार मूल्य से कम दाम पर बेचना भी इसका मकसद है। यहां पर दवाएं आमजन को बाजार मूल्य से 60 से 70% कम कीमत पर मुहैया कराई जाती हैं। पहले यह योजना बी फार्मा और एम फार्मा पास युवाओं के लिए ही थी, अब इसे सभी के लिए खोल दिया गया है। कोई भी व्यक्ति या कारोबारी, अस्पताल, गैर सरकारी संगठन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। सरकार इन केंद्रों को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति बनाए रखती है। SC/ST व दिव्यांग आवेदकों को यह केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपए तक की दवाएं एडवांस में दी जाती हैं। पहले जन औषधि केंद्र को सरकारी अस्पताल के बाहर खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सरकार ने इसकी उपयोगिता को समझते हुए सरकारी अस्पताल के बाहर भी खोलने की अनुमति दे दी है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी PPPI को दी गई है। दुकान के लिए जरूरी दस्तावेज, आवेदक के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। आपके पास कम से कम 112 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए, चाहे तो किराए पर भी ले सकते हैं, उसका प्रमाण देना होगा। अगर कोई NGO, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर औषधि केंद्र खोलना चाहता है तो आधार, पैन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। यह फायदा मिलेगा, दवाइयों पर प्रिंट कीमत से 16% से लेकर 20% तक प्रॉफिट। सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक की वन टाइम वित्तीय मदद। आपको 12 महीने के लिए अपनी बिक्री का 10% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी अधिकतम 10,000 रुपए महीना। उत्तर पूर्वी राज्य, नक्सल प्रभावित इलाके, आदिवासी क्षेत्रों में यह इंसेंटिव 15% हो सकता है। यहां आपका इंसेंटिव अधिकतम 15,000 रुपए हो सकता है। इसे करें जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन। प्रधानमंत्री जन औषधि की वेबसाइट janaushadhi.gov.in/index.aspx/ पर जाएं। फिर ऑनलाइन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि रजिस्ट्रेशन लिंक ऑनलाइन PMBJK रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहां आपको गवर्नमेंट एजेंसीज, NGO, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेल्फ हेल्प ग्रुप और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का ऑप्शन मिलेगा। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें और इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। नया टैब ओपन होने पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य जहां आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं जैसी जानकारी दर्ज कर सबमिट करें। इतना करने के बाद दर्ज की गई मेल पर यूजर आईडी, पासवर्ड और लॉगिन लिंक भेजी जाएगी, जिस पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा और 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान लोकेशन, जहां जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, अपना स्थायी पता और पिन नंबर देना होगा। इसके अलावा आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार वेरीफाई करवाने के लिए वेरीफाई विथ OTP को सिलेक्ट करें। इतना करने के बाद योजना का कंप्लीट फॉर्म खुलेगा, इसमें सभी जानकारी सही सही भरकर सबमिट करके प्रिंट निकाल लें। इसके बाद आपको BPPI के पास जाना पड़ेगा और यहां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपए है। उसके बाद विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर VLE के तहत दवाइयों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस मिलने के बाद आप दवा बिक्री शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो साइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें और भरने के बाद उसे इस पते पर पोस्ट कर दें। PEO, फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया, PPPI, IEDPL कॉर्पोरेट कार्यालय, IEDPL कॉम्प्लेक्स, पुरानी दिल्ली, गुड़गांव रोड, दुंदाहेरा, गुड़गांव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।